Hello guys, welcome in this video. Guys, in this video I'm talking about the chapter neural control and coordination. इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आते हैं आपकी न्यूरॉन्स एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं. अदरवाइज आप चाहोगे तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि मैं पूरा चैप्टर आपको समझा दूँ, पर मैं अभी सिर्फ वो चीज़ें लेकर चल रही हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो नीट में मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है. तो आज हम जो यहाँ पर लिखा हुआ है 21.3 ये वाला पैरा पढ़ने वाले हैं. तो आप अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए और इसमें देखते रहिए. तो चलिए हम देखते हैं. सबसे पहले लिखा है, अ न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ थ्री मेजर पार्ट्स, नेमली सेल बॉडी, डेंड्रॉइड्स एंड एक्सॉन. तो जो न्यूरॉन होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है. पहली चीज़ सेल बॉडी, ठीक है, सेल बॉडी, दूसरी डेंड्रॉइड एंड तीसरी एक्सॉन. ठीक है, अगर आपको इस फ्लो में याद नहीं होता है तो आप ऐसे याद रख सकते हो ए सी डी. ठीक है, अगर हम देखें तो बी हटा दें तो ए बी सी डी होता है. तो ए से एक्सॉन, सी से सेल बॉडी एंड डी से डेंड्रॉइड. ठीक है, तो ये तीन चीज़ें होती हैं. उसके बाद है, द सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म विद टिपिकल सेल ऑर्गेनलीज एंड सर्टन ग्रेन्यूल बॉडीज कॉल्ड नेसल ग्रेन्यूल. तो जो सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी क्या होती है पहले बता दूँ. देखो ये है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर. सबसे पहले आपको ये पार्ट जो दिख रहा है, ये पूरा पार्ट, ये ठीक है, इतने पार्ट को हम पता है क्या बोलते हैं, इतने पार्ट को हम बोलते हैं सेल बॉडी. ठीक है, उसके बाद ये जो निकले हुए हैं इसके सींग, इन सींगों को पता है क्या कहते हैं, इन सींगों को कहते हैं डेंड्राइट्स. ठीक है, और ये जो लंबा सा एक लंबा सा ये निकला है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन. तो सबसे पहले याद करने हैं कहाँ पर क्या चीज़ है. बीच में जो आपको बड़ा सा दिख रहा है वो है सेल बॉडी, उसके जो सींग निकले हुए हैं इट्स कॉल्ड डेंड्राइट्स, नीचे जो एक लंबा सा है उसको हम बोलेंगे एक्सॉन. ठीक है, ये तीन चीज़ें क्लियर हो गई. अब पहले हम बात करने वाले हैं सेल बॉडी के बारे में. तो उन्होंने कहा कि सेल बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है. सेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं कुछ अभी मैंने देखा था क्या, सेल बॉडी में कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जैसे कि सर्टेन टिपिकल ऑर्गेनलीज. तो ऑर्गेनलीज क्या होती है, लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, ये सब चीज़ें किसमें पाई जाती है, सेल बॉडी में. ठीक है, उसके बाद और था इसमें कुछ सर्टेन ग्रेन्यूल बॉडीज पाई जाती हैं जैसे कि निसल ग्रेन्यूल. तो निसल ग्रेन्यूल क्या है, ये जो छोटे 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 बने हुए हैं इट्स कॉल्ड निसल ग्रेन्यूल्स. ठीक है, तो यहाँ पर क्या, इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा. तो सेल बॉडी में अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सेल बॉडी में निसल ग्रेन्यूल होते हैं और कुछ प्रेजेंट होती हैं सेल ऑर्गेनलीज. शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच रेपिडेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ सेल बॉडी ऑल्सो कंटेन निसल ग्रेन्यूल्स एंड इट्स कॉल्ड डेंड्रॉइड्स. तो डेंड्रॉइड कहाँ कहाँ अभी हमने पढ़े, एक सेल बॉडी में होते हैं और एक डेंड्रॉइड्स में होते हैं. ये क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है कि निसल ग्रेन्यूल किस किस में प्रेजेंट होते हैं. निसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन सेल बॉडी एंड इन डेंड्रॉइड्स. उसके बाद है, दीज फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्सिस टूवर्ड्स द सेल बॉडी. तो ये जो डेंड्रॉइड्स होते हैं ये जो भी इम्पल्स आता है वो किधर ट्रांसमिट करते हैं, टू द सेल बॉडी. क्योंकि आप इनका स्ट्रक्चर जिस तरीके से देखोगे तो एक न्यूरॉन है और दूसरा न्यूरॉन और प्रेजेंट है. मान लो एक न्यूरॉन ये है और एक यहाँ पर प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि दूसरे न्यूरॉन से जो भी इम्पल्स आ रहा है वो डेंड्रॉइड के थ्रू कहाँ आएगा, सेल बॉडी में. ठीक है, तो इस लाइन का यही मतलब था. उसके बाद है, द एक्सॉन इज लॉन्ग फाइबर. एक्सॉन कैसा है, लॉन्ग फाइबर है, द डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच. इसका जो डिस्टल एंड है मतलब कि जो एंड दूर में है इसको क्या बोलेंगे हम, डिस्टल एंड, जो एंड दूर में है विच इज ब्रांच. ईच ब्रांच टर्मिनेट एज बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टिक नोब. तो ये जो जब बंद होता है, जब टर्मिनल होता है, डिस्टल एंड जब टर्मिनल होगा मतलब कि खत्म होगा, तो वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, सिनेप्टिक नोब विच पजल्स सिनेप्टिक वेसिकल्स. इसमें क्या होती है, सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं जो कंटेन्स करती हैं न्यूरो ट्रांसमीटर. ठीक है, द एक्सॉन ट्रांसमिट्स, एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करवाऊंगी आप लोग को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा. द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. अब देखो एक्सॉन अलग से है, तो डेंड्रॉइड ने क्या किया, जो दूसरी न्यूरोन से जो भी इम्पल्स आया उसने सेल बॉडी को दिया, और एक्सॉन ने क्या किया, जो भी इम्पल्स है वो इस सेल बॉडी से दूर भेजा, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अ सिनेप्स और टू अ न्यूरो मस्कुलर जंक्शन. ठीक है, उसके बाद है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्रॉइड्स. एक्सॉन और
डेंड्रॉइट्स के नंबर के बेसिस पे न्यूरॉन्स को डिवाइड किया गया है थ्री पार्ट्स में। पहला है मल्टीपोलर, अगर एक एग्जॉन है और दो या दो से ज़्यादा डेंड्रॉइट हैं तो वो होता है मल्टीपोलर। तो अब देख सकते हो ये कौन सा है, ये स्ट्रक्चर है मल्टीपोलर, क्योंकि इसमें एग्जॉन तो एक ही है पर डेंड्रॉइट बहुत सारे हैं। इसका एग्जाम्पल है सेरिबल कॉर्टेक्स। तो इसको आप याद कैसे करोगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन नीट पे पूछे जाते हैं कि मल्टीपोलर किस में पाया जाता है, तो पाया जाता है सेरिबल कॉर्टेक्स में। इसको याद करने की ट्रिक है मेरे पास कि सी सी, दो बार सी सी आया, मतलब कि मल्टी टाइम्स, ठीक है, तो मल्टी टाइम्स सी सी सेरिबल कॉर्टेक्स। दूसरा है बाईपोलर, इसमें क्या होता है, एक एग्जॉन और एक डेंड्रॉइट। सेल बॉडी तो होगी ही होगी, बिकॉज विदाउट सेल बॉडी कुछ भी नहीं होने वाला। ये बेस किस पे है, ये बेस है एग्जॉन एंड डेंड्रॉइट की प्रेजेंस पे, कितने प्रेजेंस होते हैं। तो अगर एक एग्जॉन है और एक ही डेंड्राइट है तो उसको हम बोलेंगे बाईपोलर, क्योंकि दो पोल हो गए, सेल बॉडी है, सेल बॉडी की एक साइड एग्जॉन है एक साइड डेंड्राइट है, तो क्या हो गया, ये बाईपोलर हो गया, इसके दो पोल हो गए, ये प्रेजेंट होता है रेटिना। तो अगर आपको याद हो तो जो हमारी आई बॉल होती है उसमें बाईपोलर सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो मैं आई पर भी एक अलग वीडियो बना दूंगी, बिकॉज विच इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो बाईपोलर से रिलेट करके हम याद कर सकते हैं कि बाईपोलर किस में है, रेटिना ऑफ द आई में। उसके बाद है यूरीपोलर, इसमें क्या होता है, एक सेल बॉडी होती है और एक एग्जॉन होता है, ठीक है, इसमें क्या डेंड्रॉइट प्रेजेंट नहीं होता। तो आपको याद रखना है इन मल्टीपोलर बहुत सारे डेंड्रॉइट एक एग्जॉन, इन बाईपोलर एक डेंड्रॉइट एक एग्जॉन, और इन यूनिपोलर ओनली वन एग्जॉन एंड सेल बॉडी। तो ये पाया जाता है इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेंड्रॉइट नहीं बन पाया तो वो हो गया यूनिपोलर। बाईपोलर में एग्जाम्पल मैं आपको बताया रेटिना, और मल्टीपोलर में बताया सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्जॉन। एग्जॉन भी जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइलिनेटेड, दूसरा होता है नॉन माइलिनेटेड। द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर एनवेलप विद श्वान सेल। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं वो एनवेलप किससे होते हैं, बाय द श्वान सेल। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि ये एग्जॉन है और ये जो है माइलिनेटेड है, क्यों, क्योंकि ये कवर करा हुआ है इसको, क्या, श्वान सेल्स एनवेलप में है। एक विच फॉर्म अ माइलिन शीथ अराउंड द एग्जॉन, द गैप्स बिटवीन टू एडजस्टेड माइलिन शीथ। इन दो माइलिन शीथ, मतलब कि एक माइलिन शीथ ये और एक ये, इन दो के बीच में जो गैप है, जो आप नीचे देख सकते हो कि ये माइलिन शीथ है और ये माइलिन शीथ है, इनके बीच में जो गैप है उसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियो। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। माइलिनेटेड मतलब कि जिसमें श्वान सेल्स होंगी और जिसमें नोड ऑफ रेनेवियर होंगे, ठीक है। नोड ऑफ रेनेवियर क्या है, एक तरीके का गड्ढा, ठीक है। तो वो किस में पाए जाते हैं, इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स इंक्लोज बाय श्वान सेल्स दैट डज नॉट फॉर्म अ माइलिन शीथ अराउंड द एग्जॉन, ठीक है, इसमें माइलिन शीथ नहीं होती है। एंड इट्स कॉमनली फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। तो जो नॉन माइलिनेटेड है वो होता है ऑटोनोमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम्स में। सो आई होप गाइस कि आप लोग को न्यूरॉन्स अच्छे समझ में आ गया हो। मैं एक बार फटाफट से रिवाइज कर देती हूँ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड इफ़ यू आर न्यू देन सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले न्यूरॉन में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसको आप बिल्कुल अपनी आंखों में भर लीजिए, बिकॉज विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें प्रेजेंट होती है एक सेल बॉडी जो आपको बीच में दिख रही है, उसके जो सिंग निकले हुए हैं इट्स कॉल्ड डेंड्रॉइट, और एक लंबा सा फाइबर होता है विच इज नोन एज एग्जॉन। सेल बॉडी में क्या होता है, सेल बॉडी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कुछ निसल ग्रेन्यूल्स, और उसके साथ साथ मतलब जो ऑर्गेनलीज होती है उनके नाम में अगर हम ले तो न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गॉल्जी अपरेटस है, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। निसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन सेल बॉडी एंड इन डेंड्रॉइट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, ये सब मैंने बता दिया, निसल ग्रेन्यूल प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो डेंड्रॉइट होते हैं ये सेल बॉडी के पास इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, और एग्जॉन सेल बॉडी से दूर लेकर जाते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद है न्यूक्लियस हो गया। जो एग्जॉन होता है इसके टर्मिनल एंड पर क्या प्रेजेंट होते हैं, सिनेप्टिक नोव, और सिनेप्टिक नोव के अंदर प्रेजेंट होती है सिनेप्टिक वेसिकल्स। उनमें क्या होते हैं, उनमें न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं। उसके बाद इसमें बात आई थी
कि अगर हम एक्सॉन एंड डेंड्राइट के बेस पे लें तो तीन टाइप के हैं। पहला मल्टीपोलर, जिसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, जिसे याद कर लीजिएगा। बायपोलर मैंने आपको एग्जांपल बताया था रेटिना ऑफ द आई, एंड थर्ड यूनिपोलर विच इज प्रेजेंटेड द एम्ब्रियोनिक स्टेज। उसके बाद एग्जॉन में माइलिन शीथ के बेसिस पे दो में डिवाइड किया गया था। अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है, इट इज नोन एज माइलिनेटेड शीथ, जो कि एनवलप होती है बाय द श्वान सेल्स, और इन इन दो माइलिन शीथ के बीच में अगर कोई गैप है तो इट्स नोन एज नोड ऑफ रेनवियर। और नेक्स्ट चीज़ थी कि अगर माइलिनेटेड जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माइलिनेटेड प्रेजेंट होते हैं इन क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, और नॉन माइलिनेटेड प्रेजेंट होते हैं इन द ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद दिस वीडियो एंड लाइक ऑल्सो। सो गाइज, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।